कल रात की प्लेलिस्ट सुनने के बाद द गोल्डन लेजेंड्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं द वन एंड ओनली प्यारेलाल शर्मा जी. एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं. और उनकी धर्म पत्नी द वन एंड ओनली सुनीला शर्मा जी, आपका स्वागत है सारेगामापा लिटिल चैंप्स. तो चलिए बुलाते हैं बदलापुर की सिंगर भारी, ये है सई जोशी और ये ड्यूएट गा रही है विद राधिका मिश्रा. Ha 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 ha.
जूरी क्या बोलते हैं आप लोग? इसी के साथ ये होता है चार्ट बस्टर। Fantastic musicians, आप लोगों के लिए खड़े होकर ताली बजाऊं। दूसरी बात है, इनके गाने में बाद में आता हूँ। हाँ, वो पीछे दो लड़का है जो सैक्सोफोन एंड ट्रम्पेट हाँ बजा रहा था, नाम बताओ। हर्ष। हर्ष, क्या है तुम्हारी एज क्या है? 15 साल। 15 साल के हर्ष, मतलब कमाल का यार, ये अपना ही लिटिल चैंप खेल रहा है यहाँ पे। एक्सेलेंट सिंगिंग, तुम जितना भी नाचो कूदो कुछ भी किया, सिंगिंग में एकदम परफेक्ट थे। सुपर, गॉड ब्लेस यू। इतना बड़ा गाना आप लोगों ने इतना म्यूजिशियंस के साथ जबरदस्त गाए। सर क्या कहेंगे? ये बात मतलब खास मैं सोच रहा था दिल में कि इतना कंप्लीट, इतने चेंजेस, इतने डायलॉग यहाँ गाना है, ये ऐसा करना, सब पूरा याद कैसे रखते हैं लोग? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। तो अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ घर में पापा के साथ ज्यादा खेलते हो या मामा के साथ? दोनों के साथ। दोनों के साथ, अच्छा। और कभी खेल खेल में कुछ खाना गिराया या कोई मेस क्रिएट किया तुमने? हाँ, लेकिन मम्मी उसे क्लीन कर देती हैं। अच्छा, मम्मी क्लीन कर देती हैं। यार ऐसा क्यों? जब प्लेइंग में एवरीवन, तो यार क्लीनिंग में सिर्फ मम्मा क्यों यार? तो अगली बार ना पापा से कहना कि ये जो मेस क्रिएट होता है ना, वो क्लीन करना पापा का भी काम है। ठीक है, बोलोगी ना? ओके। चलो वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली। एक बार मैं कुछ पुरानी यादें यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। प्यारे भाई से मैं जब मिलने आया तो ये सब लोग महाराजा होते ना, महाराजा, ऐसा टाइम चल रहा था इनका कि हजारों गाड़ियाँ, हजारों लोग खड़े हैं, और मैं एक स्ट्रगलर बन के आया था। आज भी स्ट्रगलर ही हूँ। साल दो साल तक मैं चक्कर काटता रहा, जब भी मुझे मौका मिले तो मैं इनके घर चला जाता था, सुबह हो, शाम हो या दोपहर हो, हमेशा इन्होंने प्यार और आशीर्वाद दिया मुझे। और ये जितने भी गाने आप सुन रहे हैं ना, डफली वाले, ओम शांति ओम, दर्दे दिल, सब मेरे सामने रिकॉर्ड हुआ है। आप सोचिए, मैं दूर में खड़ा रहता था और सुनता रहता था, देखता रहता था। एक दिन दो साल के करीब हो गए, दो साल, तो मैं रात के 12 एक बजे तक महबूब में बैठा रहा और प्यारे भाई बोले तुम जाना मत, आज आज तुम्हारा गाना सुनेंगे। जहां पे सिंगर गाते हैं ना महबूब स्टूडियो में, वहां पे इन्होंने बुलाया, बोले गाना सुनाओ। तो मैंने एक छोटा सा फोक सॉन्ग इनको सुनाया। आप सोच नहीं सकते क्या इन्होंने कहा मुझसे। बोले इसी बंबई शहर में एक टाइम तुम्हारा जरूर आएगा यार। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना प्यार इज्जत देते हैं, मैं भूल नहीं सकता ना, तो अब क्या जरूरत है बात करने के लिए? बहुत बड़ी बात सीखना चाहिए हम लोगों को। थैंक यू सो मच। आप लोगों को पता है एक बात जी, लक्ष्मी जी उदय जी को क्या बोलते थे? क्या क्या क्या? लाफिंग बुद्धा। उदय जी बार बार ऐसे हंस रहे थे। आपको याद है, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की
देखिए अलका जी के दिल में भी प्यारे भाई मैं हूँ, नहीं तो ये बात नहीं है, कहती नहीं। कहाँ से कहाँ आप घुमा दी बात, देखिए। अब आ रहे हैं महाराज चाचा वाघ सक्षम सुनावने। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, क्या हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठा कर झुकाना गजब ढा गया, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठा कर झुकाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। क्या बात है, क्या बात है जूरी। तो देखिए क्या स्कोर मिले हैं, 98.7%। ऑल राइट शानुदा, इस गाने के लिए ना एक एटीट्यूड की जरूरत थी, तो ये जो एटीट्यूड तुम्हारे अंदर जो देखा ना अभी, इट्स अ मोर देन इनफ एक सिंगिंग के लिए। तुम्हारा एक चीज मैं देख के और अच्छा लगा, जो तुम पूरे गाने अलका जी को डेडिकेट किया बेटा, और तुमसे थोड़ा सा उम्र में ज्यादा है समझा कर, लेकिन क्या है कि आपने बहुत अच्छा, अगर ये सामने रहे और आप ऐसे गाओ तो हजार बार ये सामने रहेगी, आप ऐसे गाते रहना। तो फिर ठीक था, आँख उठा कर झुकाना, हीरो तो पूरे हीरो, बहुत अच्छा गाया, बहुत एक्सप्रेशन, बहुत लाइवली, मुझे तो थोड़ा थोड़ा उदित जी का स्टाइल लगता है इसका गाने का, ऐसे ऐसे करके। देखिए इनके दिल में हर वक्त उदित नारायण ही बैठा हुआ है। मानना पड़ेगा इस बात को, आप महाराष्ट्र के गांव से आए हैं ना? हाँ जी। आप में गांव की खुशबू है, ये सादगी हमेशा आप मेंटेन रखना। प्यारे लाल जी क्या कहेंगे आप? वाह मुखड़ा गाओ। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। वेरी गुड, वेरी गुड। जोरदार तालियां इसके लिए हो जाए। थैंक यू सो मच। बढ़ते आगे, अब वो जिन्हें चार ही हिंदी के शब्द आते हैं, और वो चार शब्द हैं मुझे हिंदी नहीं आती।
ये है सिंगिंग की साबू आर्यनंदा बाबू और आज ये डुएट गा रही हैं उनके साथ तेज से भी तेज रिपोर्टर कम सिंगर सौम्या शर्मा। शानुदा, अरे आपने चश्मा पहन लिया? हाँ। अब सच्ची बताइए मिस्टर इंडिया कहाँ पर है? लाल चश्मा ना? वेल, इसी के साथ ऑल द बेस्ट, जोरदार ताली इनके लिए, कम ऑन।
अब देखते हैं जूरी ने क्या स्कोर दिए हैं। 99%। उदित जी, आर्यनंदा, द वे यू आर सिंगिंग यू विल गो वेरी फार। क्या बात है अलका जी। अलका जी सोच में पड़ी हुई हैं। हाँ। कि मैं तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ी हूँ, ये कैसे एक दो लाइन बोल लेता है ठीक ठाक। सर आप बात करते हैं, आपका हाथ उधर क्यों जाता है? मैं क्योंकि मैं तो गरीब स्कूल में पढ़ा हूँ भाई, ये भी बता देता हूँ आपको। उदित जी जब इंग्लिश बोलते हैं ना तो मुझे लगता है अभी कुछ गलत बोले, अभी कुछ गलत, लेकिन अंत में बोलते सही है। मतलब गाड़ी इनके घड़घड़ कर गुड़ 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 वापस आ जाती है। बात ऐसे करके यू विल गो, लगता है पता नहीं क्या वर्ड बोलने वाले, वेरी फार, वो मतलब बहुत एक सिंपल सा कुछ निकलता है बाद में। नमन को बोलना चाहता हूँ जी, जो सही बात है और मुझे सबसे खुशी है कि बच्चे समझते, मैं देख रहा था उनको, बेस गिटार है गिटार सेम सॉन्ग की। अभी देखिए मैं क्यों चाहता हूँ कि ये बच्चे खुद समझें जी और करें। अभी एक टाइम आप गाइए मुखड़ा, 1 2 3 4 तक ततक दिन ततक ततक दिन ततिंग ततक दिन ततिंग ततक। हाँ 1 2 1 मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में, मैं तेरे, ऐसा नहीं है, मैं तेरे इश्क में, क्या बोल रहे, मैं तेरे तुम्हारे सामने मैं बताऊं तो मुझे बोल रही है, मैं तेरे इश्क में, मैं तेरे इश्क में मर न जा, मर न जा, मर न जा कहीं, तू मुझे आजमाने की, तू मुझे आजमाने बस क्या बात है। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, बहुत से रियलिटी शोज हम देखते हैं, हम करते हैं और बहुत से गेस्ट आते हैं, लेकिन सर मैं आपको सीरियसली बताऊं, तहे दिल से हम सबकी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि कोई भी इतने इंटरेस्ट से नहीं सिखाता। क्या बात है यार, थैंक यू सो मच सर, जोरदार तालियां हो जाए प्यारे लाल जी के लिए, थैंक यू सो मच। आइए अब आ रही है तनिष्क का सरकार।
देखते हैं हमारी जूरी जो है इन्होंने क्या स्कोर दिए। पूरे के पूरे 100 पॉइंट यानी कि चार्ट बस्टर। बहुत अच्छा गाया बेटा, बहुत अच्छा गाया, फैंटास्टिक सिंगिंग, गॉड ब्लेस यू। बस इस तरह से गाते जाओ। वाकई में आज बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं। आई थिंक प्यारेलाल जी से और भाभी से इंकरेज उनके सामने, और मैं सोची थी इनके सामने डरेंगे ये लोग, लेकिन इनके सामने और अच्छा गा रहे हैं। एनर्जी मिल रहा है वहाँ से, एनर्जी मिल रहा है। बहुत अच्छा गा रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा आज आपकी मम्मी आई हुई है, कहाँ है मम्मी, कहाँ है आप? उदित जी देखिए बैठे हैं, क्या कहना है बताएं। मैं आज बहुत खुश हूँ कि प्यारे लाल जी यहाँ आए हैं, और मैं चाहती हूँ कि आज उदित जी ने उसका दो गाना जो गाया है वो गाए। प्लीज सर आप आ जाए, आओ बेटा प्लीज आइए। इतने बच्चे सब इतने अच्छे गाए हैं, मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ, और इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर सामने बैठे हैं, लेकिन फिर भी दो चार लाइन। यू आर ग्रेट। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी, ओ जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ जाओ रेडी, ओ मम्मी डैडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। क्या बात है, क्या बात है। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। आओ ना हाथ मिलाओ ना, ओ बेबी आओ ना, बात सुनो ना, ना, ना। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, हाँ हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। आओ ना पास आओ ना, ओ बेबी आओ ना, बात सुनो ना, ना, ना। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, हाँ हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। जजेस प्यारे लाल जी, सुनीला जी, आप सबसे जूरी एक गहरा सवाल, सवाल है मुझे बताइए, गंगूबाई हंगल जी में, भीमसेन जोशी जी में, और हमारे अगले भूकंप में कॉमन क्या है? बताइए बताइए, क्या बात है भाई साहब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, पर हम आपको रत्ती भर कुछ नहीं देंगे, चुप करके बैठ रहे। कल मैं बता दूं इनमें कॉमन है कि ये सब किराना घराने से हैं, और अगला भूकंप तो सिर्फ 13 साल का है। इस उम्र में जिसने मचा दी खलबली, जोरदार तालियां फॉर जैद अली। जुमा 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 जुमा
प्यारे जी, हाँ जी, ये सूफी गाना बहुत जबरदस्त गाते हैं। अरे ये बात तो मैं आपको चाहूंगा कि मैं वो आपको वो पिया हजी अली वाला जो गाना है ना तुम्हारा, हाँ वो सुनाओ ना सर को। क्या बात है, ये बात तो दादा हो जाए प्लीज। थैंक यू बाबा, हो जाए जी। खुदा अपने वलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें पिया हाजी अली पिया हो पिया।
प्यारे जी, मुझे सबसे अच्छा पता क्या लगता है, ये बच्चे इतना अच्छा गाते हैं, इतना दिल से गाते हैं, और मोह माया से इन बच्चों को कोई लगाव और प्यार नहीं है। मतलब इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बेचारा क्या करे, कुछ बोल नहीं सकता आपको। नहीं मनीष, लेके नहीं जा सकता, पैसा देना ही पड़ेगा उसको। मैंने कहा मनीष, आपको मोह कुछ ज्यादा ही मोह माया से लगा हुआ लगता है। मैंने पैसे कहा लिए? मैंने पैसे लिए 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 नहीं, जेब में डाले हैं। लिए नहीं आपने? जेब में रखे हैं। जेब में? एक मिनट, जरा हाथ डाल के। गलती से गया ये मेरी जेब में कब है? ओहो, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैंने बहुत अच्छा गाया है, तू बहुत अच्छा है, मारे तुझे खुश रखे बस। सबसे अच्छी बात क्या है ना, सरज पंचम निखात इतना अच्छा जाता है, इतना भी नहीं सिर में हिलता, इतना नहीं हिलता, वो मैं सोचता हूँ कैसे है इसके पास। कमाल का है ना, बहुत ये चीज़ होते ना, ये मतलब ऊपर की और माँ बाप में होते ना, जैसे फैमिली के लिए हमारे लोग हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गाय कुछ नहीं बोलूँगा, सीना चौड़ा कर दिया। क्या बात ये बात कही आपने। प्यारे भाई को मैंने बोला था कि प्यारे भाई सूफी बहुत अच्छा गाता है, अगर तू कुछ खराब कर देता तो मेरा तो हो जाता। लेकिन तूने ऐसा कर दिया कि प्यारे भाई तुझे तारीफ कर रहा है, वो हमें लग रहा है। अरे थैंक यू सर, फैंटास्टिक ये बेटा। जूरी क्या बोलते हैं आप लोग? पूरे 100% यानी कि 4-5। तू किसकी इधर से आ रहा है यार, तो उनको इग्नोर कर रहा है तू, क्या है? माँ मेरी नौकरी लग गई माँ। हाँ माँ, अब घर में बिजली आएगी माँ, बापू की दवाई के लिए पैसे भी आएंगे माँ, और हम भर पेट खाना खाएंगे। दादा पीछे लाइट इतनी तेज है, गर्मी नहीं लग रही आपको? पीछे से कहाँ कहाँ लाइटें, कितनी गर्मी समा के बैठे हो भाई, कमाल है यार। मुझे एक बात पता चली है शानुदा, बोलिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे पता चला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी, जब लक्ष्मीकांत जी एक मिसाल लेकिन एक समय आया जब ये जोड़ी इनकम्प्लीट हुई, और मुझे ये पता है प्यारे लाल जी काफी समय तक बहुत ज्यादा अपसेट थे, परेशान थे। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आफ्टर लक्ष्मी जी डेथ प्यारे भाई टोटली काम करने से इनकार कर दिया था इंडस्ट्री को। बड़े बड़े लोग उनके पास जाके हाथ जोड़ते थे, प्यारे भाई करिए करिए, लेकिन ये बताते हुए मुझे आज बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है। मतलब आई एम द फर्स्ट पर्सन जो मैंने प्यारे भाई के घर गया था, जो जाके उनको मैंने पर्सनली, मैं बोला कि प्यारे भाई आपको मेरे को आशीर्वाद देना पड़ेगा, तो प्यारे भाई ने स्ट्रेट ना कर दिया मेरे को। और मैं भाभी जी का इस जगह पे मैं बहुत आभारी हूँ, एंड थैंक्स टू भाभी जी, जो मैं बार बार करके मैं लास्ट में बोला कि ये कंपोजिशन सुन तो लीजिए। तो हारमोनियम बजा के मालूम है मुझे, हारमोनियम बजा में मैंने ये कैसा उत्थान है फर्स्ट टाइटल सॉन्ग जो, तो उनको मैंने सुनाया, तो किचन से भाभी जी सीधा निकल के बाहर आए, आके बोला तुम कर रहे हो ये म्यूजिक, तुम कर रहे हो इनके साथ। दैट्स भाभी जी, तुम्हारे एक बार जोरदार तालियां बजाएं।
और अब एक डुएट लेकर आ रहे हैं माधव और अनन्या। तो गाना हो चुका है, जूरी क्या कह रहा है आपका? 100% चार्ट बस्टर। कितना प्यारा गाना है और तुम दोनों इतने प्यारे लग रहे थे गाते हुए गाने को। प्यारे जी एक बार और नमन आपको। क्या बात है, क्या काम किया आपने सच में। देखिए लक्ष्मीकांत जी और प्यारे आप दोनों, आप में ही लक्ष्मी जी की छवि दिखती है अब तो आप दोनों ही क्या काम किया है सच्ची, एकदम आत्मा में घुस जाते हैं गाने। कमाल गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। कितना प्यार से गाया इन्होंने, इतने छोटे बच्चे कैसे गा रहे हैं लोग, इस चीज के कदर मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, अब मैं मिलूंगा जरूर आपको, आते मिलूंगा। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। घर जाके अपनी नज़र उतना निकालना। यार देखिए चार्ट बस्टर हो चुका है तो रिकॉर्ड तोड़ना तो बनता है ना, प्लीज आ जाओ यार एक बार, जोरदार तालियां।
प्लीज आराम से बैठे, बहुत बहुत बढ़िया। मनीष बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो जी, आप कह रहे थे ना हमने कुछ वायलिन आती है ना आपको बजानी, आपने सीखी हुई है। ये फैंस भी ना सब कुछ बता देते हैं। हाय हाय हाय। क्या है? अब अलका जी राज खुल ही रहा है तो मैं एक्चुअली बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है, टैलेंट बढ़ा है पर कभी घमंड नहीं किया, पर आप लोग कह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, हम देखे थे तुम्हारे में क्या हुआ। मैं बिल्कुल, चलिए मैंने जिनको दिल से गुरु माना है प्यारे लाल जी, मैंने उनकी फोटो भी लगाई हुई है, उनको सुन सुन के देख देख के मैंने जो वायलिन सीखी है मैं। प्लीज दादा प्लीज आपकी वायलिन थोड़ी। गुरु जी का आशीर्वाद ना लूं ऐसे हो सकता है? ना 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 प्लीज। सब हो गया, चलो जी एक सेकेंड, अच्छे से गर्दन एडजस्ट कर लो अपनी। नहीं नहीं मेरे को खुजली हो रही थी, मैं थोड़ा ऐसा करते करते। असली प्लेयर अभी वहां से आए। मैं रुकू या जाऊं मनीष सर? बड़ी जल्दी हो रही है पैसे लेने की, थोड़ी देर रुक जाते, चार तालियां और ले लेता उसके बाद आ जाते। जी 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 पहले आ गए। पोल खुल गई। चलता है कभी कभी हो जाता है। आपकी पेमेंट ड्यू है ना रामशंकर जी, जरा 500 रुपए प्लीज। वेल देखिए अब बढ़ते हैं आगे और प्यारे लाल जी की प्लेलिस्ट के अनुसार नाउ इट्स डुएट टाइम। और जो डुएट गाएंगी उनमें से एक है वो जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिकल गुरु से फ्री में कोचिंग लेती हैं, क्योंकि गुरु हैं उनके खुद के पापा। ये हैं रोनिता बैनर्जी जो आ रही हैं उनके साथ, जिनकी मम्मी जी को लगता है कि धूम 4 में अगर बाइक पे कोई व्रूम व्रूम करके दिखना चाहिए था तो वो है द वन एंड ओनली उदित नारायण जी। गदर फिल्म में अगर किसी को पड़ोसी मुल्क का हैंडपंप उखाड़ना चाहिए था तो वो है द वन एंड ओनली उदित नारायण जी। उदित नारायण जी की दीवानी की बिटिया तनिष्का सरखा।
बहुत ही कमाल का गाना. और अब जरा बात की जाए जूरी से. जूरी, जूरी ने दिया 100% यानी चार्ट बस्टर. थैंक यू. कंपोजिशन का तो जवाब है नहीं, लेकिन जो लिखावट है इस गाने की, उनको भी सलाम. आनंद बख्शी जी को सलाम और लता जी को सलाम और रनीता और तनिष्का को भी सलाम. क्या एज होंगी 12-13 साल हाँ. की क्या एक एक सुर को बोलों को समझ के गाना बहुत ही अच्छा. बहुत बहुत जोरदार ताली हो जाए. आज ये जरा रिकॉर्ड तोड़ ले देखवा. यहाँ पे इतनी सारी बातें चल रही हैं कि यादगार इकट्ठी करनी यादगार है. यार मेरे को एक सब लोग बात बताएं, जूरी आप लोग भी ये बात बताएं, प्यारे लाल जी यहाँ पे हैं, इन्होंने इतने गाने बताए हमें, करेक्ट भी कर रहे हैं विच इज़ वेरी गुड, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पियानो यहाँ पे है और प्यारे लाल जी एक बार यहाँ पे ना बैठे. क्या बोलते हैं यार आप लोग ना प्लीज. एक बार जोरदार तालियां प्यारे लाल जी के लिए. देखिए इट्स टाइम फॉर अनदर डू इट नाउ. ये वो भूकंप है जो आई मोबाइल की जगह साई मोबाइल यूज करता है, आई नेटवर्क की जगह साई नेटवर्क यूज करता है. साई बाबा का सच्चा भक्त हंस राज डैश जो आ रहे हैं धाने के साथ. क्या बात. कितने दिन बाद
Welcome, Judy. Yeah. To the show that never ends. Yeah. I have taken the chance to make you dance. Wow. You will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karna chahenge aap? Samba? No. Samba? No. Tequila? No. Tango? No. Jalshan? No. Polka? No. No? No. To fir kya ho? Rock, two, rock, one, rock, two, rock, three, rock, four, rock, one, two, three, four, rock, six, seven, eight, rock and roll. Hey, bol, baby, bol. Rock and roll. Bol, bol, bol. Rock and roll. Bol, baby, bol. Rock and roll. Bol, bol, bol. Rock and roll. Mere zanda. Rock and roll. Dekh duniya hai go. Judy, scores please. 95.3%. एक बात तो मानना पड़ेगा जी कि हमारे प्यारे जी लक्ष्मी जी ने क्या क्या काम किया है. क्लासिकल, गजल, रोमांटिक, भजन और रॉक एंड रोल. ये बात तो जिस रॉक एंड रोल स्टाइल से गाना था तो मेरे हिसाब से इन्होंने कोशिश किया, जमाया, आगे के लिए और भी अच्छा करना होगा. ऑल राइट, विद दैट थैंक यू सो मच. आइए प्लीज टेक योर सीट. थैंक यू. देखिए, जजेस से दोस्ती करने का एक फायदा होता है कि किन पांच को
वो गोल्डन बैजेस मिल रहे हैं उनके नाम मुझे पहले ही उन्होंने दे दिए. थैंक यू सो मच जजेस. और देखते हैं वो कौन पांच हैं जो एलिमिनेशन से सेफ हो जाएंगे गोल्डन बैज लेके. पहला नाम जैद अली. वो दूसरा नाम वो है अनन्या. तीसरा नाम है रोनीता. अगले प्लीज वेलकम माधव. पांचवा और आखिरी नाम है आर्यनंदा. ऑल राइट कंग्रेचुलेशंस, आप पांचों को मिलते हैं गोल्डन बैज. यानी कि अब टेंशन की कोई बात नहीं है, आप आराम से सेफ हैं. कोई टेंशन, एक बार जोरदार तालियां. कंग्रेचुलेशन. ये पूरा एपिसोड, बेस्ट परफॉर्मेंसेस, बिहाइंड द सीन्स और बहुत कुछ आप देख सकते हैं Z5 पर कभी भी कहीं भी. सो डाउनलोड द ऐप नाउ. 90s ने दुनिया को दिया था दौर ऑफ ब्लॉकबस्टर म्यूजिक और जिन्होंने साक्षात किया ये माइंड ब्लोइंग मैजिक यानी उदित नारायण, अलका याग्निक एंड कुमार शानू. अगले हफ्ते उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे उनकी लाइफ की अनोखी जर्नी विद इलेक्ट्रिफाइंग म्यूजिक ऑफ 90s. ओनली ऑन योर वेरी ओन शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स.